शादी मुबारक हो यार। आपको पता है कि इस शादी में मेरी खुशी नहीं है, फिर भी शादी मुबारक कर रहे हो। शादी तो हो रही है ना, खुशी हो या ना हो, किसी और से शादी तो हो ही रही है ना तुम्हारी। बट वो मेरा प्यार थोड़ी है, प्यार तो आप हो ना मेरा। इससे क्या फर्क पड़ता है यार? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद, खुश रहोगे किसी और के साथ। मैं भूल जाऊंगी? आप इतनी आसानी से कह सकते हो आप मुझे भूल जाओगे? क्या फर्क पड़ता है यार? अभी मैंने बोला था फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। अब सब खत्म हो गया है ना, कुछ नहीं हो सकता। अब बहुत अभी होने को बहुत कुछ हो सकता है, ऐसे मत बोलो। अभी कुछ नहीं हो सकता, अब क्या हो सकता है बताओ। आपको पता है जैसे मेरी शादी हो रही है वो मेरा प्यार नहीं है, फिर भी आप मुझे शादी मुबारक कह रहे हो। तो मैं क्या करूं यार, मैं तुम्हारी फैमिली के सामने भी आऊं तो क्या कहूं कि अंकल जी ना बंदा सेट है ना कुछ है, अपनी बेटी का हाथ दे दो। वो रिजेक्ट कर देंगे यार, तुम्हें खुद जानती हो। मैंने बस इतना ही कहने के लिए फोन किया कि शादी मुबारक हो। तुम मुझे भूल जाओगे? भूल जाऊंगा, बड़ी बात थोड़ी है तुम्हें भूलना कोई। इतनी आसानी से तुमने बोला कि भूल जाऊंगा, इतनी आसानी से भूल जाओगे तुम मुझे? हाँ भूल जाऊंगा, कोई बड़ी बात थोड़ी है तुम्हें जो भूल हमारा जाऊंगा। प्यार था, वादे थे, कस्में थे, उनका क्या? अभी सिर्फ यार इतना याद रखो कि शादी में तुम्हारे पापा की खुशी है। बट मेरी खुशी तो नहीं है ना, मेरी खुशी तो आपके साथ है। भूल जाओ उस खुशी को यार। मतलब मैं अपने पापा की खुशी के लिए अपनी खुशी सेक्रीफाइस कर दूं? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। शादी मुबारक हो। मतलब आप हमसे कभी नहीं बात करोगे? अब नहीं कभी कॉल नहीं आएगा? नहीं तो फिर आज क्यों कॉल किया? शादी मुबारक कहने के लिए। फिर आप भी दूसरी जगह पे शादी कर लोगे, आप भी मुझे भूल जाओगे? मैं तो आराम से भूल जाऊँ। मैं मेरे लिए बहुत आसान है भूल जाना। कैसे? दो मैं तो बस फोन काटूंगा, मुझे याद भी नहीं आएगी। और मैं खुश भी हूँ तुम्हारी शादी हो रही है, मैं खुश हूँ बहुत, पता है एक तुम्हें। बात बोलूँ? बहुत टाइम हो गया मेरे रिलेशन में, एक चीज तो अच्छे से जान चुकी हूँ मैं कि तुम भी खुश नहीं हो। और तुम्हारी आवाज़ से मुझे सब समझ में आता है कि तुम खुश हो या दुखी हो। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो बट मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें ये बात भी पता है, फिर भी झूठ बोले चले जा रहे हो। अरे वो बस थोड़ा सा जुकाम हो गया है और मैं एकदम ठीक हूँ, ठीक है ना। तुम्हें यह भी पता है कि जब भी तुम सैड होते हो तभी तुम्हें जुकाम होता है, ये बात नोटिस करी है? तुमने नहीं करी होगी, मैंने करी है। यार आई लव यू ना। आई लव यू टू। मेरी फैमिली को क्यों नहीं दिख रहा कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, उस लड़के के साथ नहीं है? मैं उस लड़के से प्यार नहीं करती, क्यों नहीं समझ आ रहा है मेरी फैमिली को? सारी बातें छोड़ो ना, वो लड़का ही बहुत अच्छा है, पता है तुम्हें, बहुत खुश रखेगा, बहुत प्यार करेगा तुम्हें, पता है, बहुत अच्छा लड़का है, सरकारी जॉब है। दिल से बोल रहे हो बात? दिल से? यार खुश रखेगा वो तुम्हें। वो मुझे खुश रखेगा बट मैं खुश रह लूंगी आपको लगता है? आपके बिना, आपके बिना मैं एक पल खुश नहीं रह सकती। इस शादी में मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरे पापा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे, पता नहीं क्यों, सिर्फ अपनी खुशी के लिए कि लड़के की सरकारी जॉब है, लड़का अच्छे से सेटल है। जरूरी है सरकारी जॉब सब कुछ होती है, प्यार भी तो होता है ना। एक यार एक बात बोलूं, बोलो। लाइफ जीने के लिए पैसा जरूरी है ना? प्यार भी तो जरूरी है। पैसा जरूरी है कि नहीं? प्यार भी तो जरूरी है। पैसा जरूरी है कि नहीं? पैसा अपनी जगह जरूरी है, प्यार अपनी जगह है ना? जरूरी है। मेरे पास ना जॉब है, ना सेटल हूँ। गलती तुम्हारे पापा की नहीं है यार, गलती मेरी है, गलती तुम्हारी भी नहीं है, गलती सारी मेरी है। तुमने तो मुझे टाइम दिया था, वक्त दिया था, सब बताया भी था, रोज चिल्लाते भी थे कि खोज कर लो कुछ, कर लो कुछ, बट गलती मेरी है ना, गलती तुम्हारे पापा की नहीं है। तुम्हारे पापा तो तुम्हारे लिए अच्छे ही फ्यूचर देख रहे हैं ना यार। तो मंग मेरे पापा मुझसे आपके लिए थोड़ा टाइम तो ले सकते हैं ना, थोड़ा वेट और कर सकते हैं ना, कि मैं उनके ऊपर इतना बोझ बन गई हूँ कि मेरी शादी इतनी जल्दी करनी है उन्हें? पागल हो गया कुछ भी क्यों बोल रहे हो यार? क्या बोलूं फिर? एक बात बताओ मुझे, पूछो। जैसे तुम्हारी शादी हो रही है, वो लड़के में कोई कमी है? कोई, मैं कब बोल रही हूँ कि एक कोई मिनट, कमी कोई है? कमी है नहीं यार। उसके पास अच्छी जॉब है, इतनी अच्छी फैमिली है, वो लड़के का भी मैंने पता किया, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है यार, बहुत अच्छा लड़का है। तो तुम्हारे पापा प्यार ने तो नहीं है ना, तुम्हारे पापा ने बैकग्राउंड अच्छा होने से क्या होगा? जैसे अडा भैया, वो प्यार नहीं है मुझसे, जब स्टार्टिंग मिली थी तब प्यार था क्या?
याद नहीं है मुझसे कितनी नफरत करते थे स्टार्टिंग में, शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, फिर हो गया ना प्यार, वो लड़का तो उससे तो फिर भी नफरत नहीं है, हो जाएगा प्यार यार शादी के बाद। उमंग आपको छोड़ के किसी और से प्यार करना मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर पे, बोल दो अपने पापा से नहीं करूंगी शादी, तोड़ दो उनके सपने, सर झुका दूंगा, बोल दो कि शादी नहीं करूंगी, मैं इस लड़के प्यार करती हूँ, और बोल देना ये कुछ नहीं करता यार, बस मुझसे प्यार करता है, इसके अलावा और इसके पास कुछ भी नहीं है, इसका वजूद वजूद कुछ भी नहीं है। पैसे से बड़ी दौलत प्यार की होती है आपको पता है? तुम्हारे पापा इस टाइम सही सोच रहे हैं यार, ठीक है मेरे को, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं यार, आई नो आई लव यू एंड मुझे ही पता है इस टाइम क्या मेरा हाल हो रहा होगा, बट मजबूर हूँ यार, और तुम्हारे पापा भी कर रहे शायद सही है। तुम तो मेरी फोटोज देख लोगे, मेरे यादों को संजो लोगे, मेरे कार्ड्स पढ़ लोगे, सब कुछ कर लोगे, पर मैं क्या करूँगी उस टाइम पे, कुछ भी नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारी तुम्हारे बारे में सोचने के अलावा, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती, तुम्हारी वॉइस भी नहीं सुन सकती, फिर मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी, तुम्हें लगता है ऐसा? मैं नहीं रह पाऊँगी तुम्हारे बिना। मैंने फ़ोन इसलिए किया कि लास्ट टाइम बात हो रही है, थोड़ी प्यास से हो जाए, बस शादी मुबारक बोलने के लिए। कौन सी शादी मुबारक, कैसी, जब मेरी खुशी नहीं है शादी में, मैं नहीं चाहती शादी करना, फिर तो ठीक है चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, ठीक है, अपने पापा से बोल दो डायरेक्ट, पापा मुझे शादी नहीं करनी, बोल पाओगे बताओ, बोल पाओगे? नहीं। उनका सर झुकता हुआ देख पाओगे? नहीं। एक और बात बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पापा तुम्हारा खुशी का गला घोट रहे हैं रियल में? क्यों उनको नहीं पता कि हाँ इस लड़के साथ तुम खुश रहोगी? उन्होंने कोई गलत लड़का ढूंढा है तुम्हारे लिए यार? उमंग मैं नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने मेरे लिए गलत लड़का ढूंढा, बट मैं प्यार भी तो नहीं करती हूँ ना उससे, प्यार तो मुझे तुमसे है ना सिर्फ। यार हो जाएगा उससे, उससे तो सिर्फ मजबूरी का रिश्ता निभाना होगा फैमिली के सामने। यार मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। ऐसे कैसे नहीं पता, ऐसे कैसे तुम कैसे बोल सकते हो? मैं कह रहा हूँ ना, क्या करूँ मैं क्या करूँ, इधर मेरे को तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही क्या? 2 साल का रिलेशनशिप है, उसको यूं ही बर्बाद करना है, पल में मतलब सब खत्म हो रहा है यार, तो किसी, जब मैंने इमेजिन भी नहीं किया था किसी और के साथ। शादी मुबारक हो यार बस। मंग ये कौन सी बात होती कि लास्ट टाइम बात हो रही है शादी मुबारक हो, मतलब तुम कैसे बोल सकते हो, तुम मेरे बिना रह लोगे, तुम मुझे बुला दोगे? मेरे बिना रह लोगे यार, व्हाट यू मीन? ठीक है मैं आ रहा हूँ ना तुम्हारे घर पे, अपने पापा से बोल दूंगा शादी नहीं करनी, मुझे उस लड़के से शादी करनी, मैं उसी से प्यार करती हूँ, ठीक है बताओ, बोल सकती हो ऐसे? तुम्हें पता है मैं बोल सकती हूँ ऐसे? बोल सकती हो कि नहीं बताओ? नहीं। तो फिर व्हाट यू मीन यार, तुमसे प्यार करती हूँ ठीक है, मैं तो अभी भी रेडी हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ।